नर्मदे हर, सभी नर्मदा भक्तों को योगी कपिल की ओर से नर्मदे हर। मित्रों, मैं आज नर्मदा जी से रिलेटेड कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें आप सभी को बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कई प्रकार के संगठन नर्मदा बचाओ अभियान को चला रहे हैं, प्रदूषण मुक्ति के लिए रोज कुछ न कुछ हो रहा है। पर क्या ये सारे प्रयास जो हम कर रहे हैं, ये किसी दिशा में, सही दिशा में प्रयास जारी है? क्यों, क्या हो रहा है? आज हम देख रहे हैं कि नर्मदा के दोनों तटों पर खुदाई का काम चल रहा है, रेत निकाली जा रही है किनारों पे से, नदी के अंदर से रेत निकाली जा रही है। मित्रों, रेत जो है वो पानी को शुद्धिकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अगर हम जल में से रेत निकाल लेंगे, हम नर्मदा के किनारों से, तटों से रेत निकाल लेंगे, तो रेत जो है वो एक प्रकार का फिल्टर सिस्टम है। आप देखेंगे कि नर्मदा के दोनों तटों पर एक एक दो दो किलोमीटर तक हम देख रहे हैं कि लोग खुदाई कर रहे हैं, माइनिंग करके रेत निकालते जा रहे हैं, नदी के अंदर से भी रेत निकाली जा रही है। मित्रों, मैं आज से आपको 7 साल पहले 8 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं तोरणमाल के जंगलों में था तो वहाँ पर पानी की किल्लत हो जाती है, तो पानी बहुत डोला हो जाता है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, एक 20 किलो का बकेट लेते हैं, उसके अंदर रेत भर के रखते हैं, तो वो जो गंदा पानी होता है वो उस पानी को उस बकेट के अंदर डालते हैं और उस बकेट में नीचे एक बारीक सा छेद कर देते हैं, तो वो जब पानी उस रेत से होकर के उस छेद के द्वारा धीरे 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 नीचे आता है तो वो पानी शुद्ध हो जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, रेत जो है पानी को शुद्ध करती है, रेत पानी की शुद्धि के लिए अति आवश्यक व्यवस्था है। तो नर्मदा जी से आज हम रेत निकालते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है जल को शुद्ध बनाए रखने के लिए, और हम उस रेत को निकालते जा रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उस रेत का नर्मदा जी के वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम के ऊपर कितना गहरा संबंध है। अगर हम रेत निकाल लेंगे तो जल का शुद्धिकरण कैसे होगा, ये बहुत सोचने का विषय है। दूसरी बात, हम किनारों पर से गड्ढे खोद करके रेत माइनिंग कर रहे हैं, हम रेत निकालते जा रहे हैं, तो अब जो किनारों पर रेत है उसका पानी से क्या संबंध है? तो मित्रों, रेत जो है वो एक प्रकार से छन्नी है, जमीन के अंदर लगी हुई छन्नी, जो वर्षा काल में जब पानी आता है तो वो पानी रेत के द्वारा भूगर्भ में गहराइयों में जाता है शुद्ध होकर के, और वही पानी फिर जो है झीलों के रूप में नर्मदा जी में मिलता है। पर आज हमने क्या करा, हमने किनारों पर गड्ढे खोद कर रेत सारी निकाल ली, अब जो पीली मिट्टी की था है उसमें पानी कितना रिंझेगा, उसमें पानी खूब अगर नीचे गया तो 1.5 फीट 2 फीट पानी नीचे तक चले जाएगा, इससे ज़्यादा पानी नीचे नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि हमने रेत निकाल ली, अब वो सरफेस जो है बिल्कुल चिकना और टाइट हो गया। हम नहीं देखते पीली मिट्टी के घर होते हैं, लेपन करते हैं लोग, तो क्यों, पानी नीचे नहीं जाएगा, उसमें रिंझेगा नहीं। तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया जिसको हम समझ नहीं पाए, और हम माइनिंग के थ्रू सारी रेत को निकालते जा रहे हैं और आज भी हम निकालते जा रहे हैं। तो ये जो हम रेत निकाल रहे हैं, जब बारिश के समय में जब पानी गिरेगा, वर्षा ऋतु का पानी गिरेगा मित्रों, तो क्या होगा, पानी पूरा बह जाएगा। बारिश के समय में पानी पूरा बह गया, अब रेस्ट ऑफ द ईयर आपके पास पानी की कोई गुंजाइश नहीं है, तो इस स्थिति में हम क्या होंगे, पानी से कमज़ोर होते जाएंगे। जल हमारे जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है। हम सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, हम कर सकते हैं, हम शुरुआत कर सकते हैं, हम वृक्ष लगा सकते हैं। अब जब हमने रेत निकाल ली है तो उस जगहों को समझें, जिन लोगों ने भी रेत निकाली है, जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार है, जिन्होंने जाने अनजाने में इस कृत्य को कर दिया है, वो लोग भी मेरी बात को ध्यान से सुने। आप वृक्ष लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा नीम के, पीपल के, बड़ के पेड़ लगाएं, ताकि नीम और पीपल की जड़ें जो है वो बहुत गहरी होती है मित्रों। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उन स्थानों पर जहाँ से रेत निकाली गई है, उन स्थानों पर नीम, पीपल, बड़, इनके पेड़ लगाना शुरू करें, जिनके द्वारा जो है जिनकी जड़ें जो है ज़मीन में जाकर के ज़मीन को थोड़ा सा पोछा करेगी, उसमें थोड़ी सी एयर की गुंजाइश बनेगी, ताकि बारिश के समय में जो पानी गिरेगा
वो जड़ें जड़ों के माध्यम से धरती माता अपने अंदर ले पाएगी और उसको शुद्ध कर पाएगी, अन्यथा बारिश में पूरा पानी बह जाएगा और हम बाकी के समय देखेंगे कि हमारे पास पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि पानी के कारण लोग एक दूसरे की जान लेना शुरू कर चुके हैं और आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति होगी मित्रों। दूसरी बात, इस कार्यक्रम में हर कोई अपना सहयोग दे, हर कोई अपना सहयोग दे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हर आदमी वृक्ष लगाए। क्योंकि हमने पहले क्या करा, पहले हमारे पास जंगल थे, हमने जंगलों को काट के खेत बना दिया। अब आज क्या हो रहा है, आज हम खेतों को भी काटते जा रहे हैं और कॉलोनियाँ बनाते जा रहे हैं, कॉलोनियों में घर बनाते जा रहे हैं। तो हम कुल मिलाकर के पंचतत्वों के साथ बहुत बड़े स्तर पर खिलवाड़ करना शुरू कर चुके हैं और ऐसा ही चलते रहा तो हम देख रहे हैं कि आज हर मानव, हर परिवार में कोई ना कोई दुखी और बीमार है। उसका कारण यही है कि हम पंचतत्वों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर पंचतत्वों को हम व्यवस्थित नहीं करेंगे, पहला धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या कह रहा है, हमारी वैदिक संस्कृति हमको क्या सीख दे रही है कि पंचतत्वों का ध्यान रखो। पंचतत्व सबसे पहले हैं। अगर पंचतत्व में बिगड़ाव हो गया तो हमारे जीवन में भी उसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल देखने को मिलेगा और हम खुद देख भी रहे हैं उसको बहुत गहरे से। तो इसके अंदर बहुत से छोटे छोटे कार्य हैं, जैसे हम पत्तलों में खाना खा रहे हैं, प्लास्टिक में दूध ला के नर्मदा जी को चढ़ा देते हैं, प्लास्टिक के दियों में हम बत्ती लगा देते हैं और प्लास्टिक के दिए हम नर्मदा जी में प्रवाहित कर देते हैं, सेव चढ़ाने लाते हैं थैली भी छोड़ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों का उपयोग करके क्या फ़ायदा है मित्रों, कि जिसमें आप प्रदूषण भी कर रहे हैं और पुण्य की बात कर रहे हैं। ऐसा कोई पुण्य नहीं होता जिससे आप पंचतत्वों को हानि कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को आप समझें और शेयर करें, क्योंकि हम नर्मदा जी के किनारे पर साबुन लगा रहे हैं, हम घरों में साबुन लगा रहे हैं। हम अगर हमारे विचार और हमारे भोजन को स्वच्छ और सुंदर तरीके से सात्विक जीवन जिएंगे तो हमें साबुन सोडों की भी ज़रूरत नहीं है, ना किसी प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों की ज़रूरत है, क्योंकि सौंदर्य प्रसाधन भी कहीं ना कहीं जल को बहुत बुरी तरीके से दूषित कर रहे हैं। मित्रों, इस बात को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और इसीलिए इस वीडियो को मैं आज आप सभी के सामने बना रहा हूँ। अगर इन बातों पर हमने गौर नहीं किया तो किसी भी प्रकार के हम प्रदूषण मुक्ति के अभियान चला लें, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें खुद ही सुधरना पड़ेगा। अगर हम खुद नहीं सुधरेंगे तो जग कैसे सुधरेगा, तो शुरुआत खुद से होगी। तो आज से हम प्रण करें कि हम ऐसा कोई सा भी पुण्य कर्म नहीं करेंगे जिसमें प्रदूषण होता है, जिसमें पंचतत्वों को नुकसान पहुँचता है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं कि रेत का क्या महत्व है, वृक्षारोपण का क्या महत्व है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं मित्रों, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकें इस बारिश में। आगामी बारिश के लिए सभी प्रिपेयर हों और सभी कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नर्मदा जी के दोनों तटों पर वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं नर्मदा जी के दोनों तटों पर वृक्षारोपण कर सकें और इस बात को समझें कि जहाँ पर से हमने रेत निकाली है वो जगहों को हमने डेड कर दिया है। आज हम रोडें, सड़कें, नालियाँ पक्की बनाते जा रहे हैं, सारा पानी बह जाएगा। पानी बह जाएगा तो फिर बारिश के समय में क्या होगा, बारिश के समय में तो पानी आया और बह गया, फिर ठंड और गर्मी, गर्मी में हमारे पास पानी नहीं रहता। महेश्वर में शस्त्रधारा जी होने के कारण आज आप मेरे पीछे इतना जल देख पा रहे हैं, अन्यथा आप नर्मदा जी के दूसरे एरियों में जाएंगे, मंडलेश्वर, ओंकारेश्वर और भी जो आगे भी जो एरिया हैं और पीछे भी जो एरिया हैं आप देखेंगे, आप पाएंगे कि जल बहुत कम हो चुका है और जल की स्थिति बहुत गंभीर है मित्रों। इसके ऊपर जागने की आवश्यकता है, चेतन होने की आवश्यकता है और इसीलिए मैं इस वीडियो को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस विषय की गंभीरता को समझें। मैं योगी कपिल बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए, और उससे भी ज़्यादा मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि इस वीडियो पर अमल भी किया जाए। नर्मदे हर अगर